जय श्री राम। सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बाल कांड की कथा को शुरू करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आप सभी को रामायण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रामायण महाग्रंथ को महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। रामायण महाग्रंथ में 24,000 दोहे हैं और रामायण 7 अध्याय में बटा हुआ है, जो कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ आरंभ के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो समस्त वर्णों, अर्थ समूहों, रसों और छंदों के तथा सब प्रकार के मंगलों के कर्ता हैं, उन श्री गणेश जी को और श्री सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर मैं उन भवानी और श्री शंकर जी की वंदना करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप हैं और जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। अब मैं अपने श्री गुरुदेव जी की वंदना करता हूँ कि जो श्री गुरु नारायण ज्ञानमय नित्य शंकर स्वरूप हैं और जिनके सहारे वक्र चंद्रमा भी सब स्थानों में वंदनीय होता है। यहाँ पर श्री गोस्वामी जी वक्र चंद्रमा का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे दूज का चंद्रमा यद्यपि टेढ़ा होता है, तथापि शिव जी के मस्तक पर धारण करने से शिव जी के साथ ही वह भी पूजनीय हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि यह मेरी रचना टेढ़ी अवश्य होगी, किंतु गुरुदेव का आश्रय पाने से सम्मानित होगी। फिर मैं उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो सर्वदा ही श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के गुण ग्राम रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले अत्यंत शुद्ध, निर्मल और विज्ञानमय हैं। फिर मैं उन जगत जननी श्री रामचंद्र जी की वल्लभा श्री सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाली और समस्त क्लेशों को दूर कर सब प्रकार कल्याण करने वाली हैं। फिर मैं उन श्री राम नाम से युक्त ईश्वर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया से समस्त जगत सहित ब्रह्मादिक देवता भी वशीभूत हो रहे हैं और जिनकी सत्ता से ही यह मिथ्या रूप जगत भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है और ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए जिनके चरण कमल ही नौका रूप हैं तथा जो समस्त कारणों से परे और दुख को हरने वाले हैं। अनेक पुराणों, वेदों और शास्त्रों से सम्मत जो श्री वाल्मीकि रामायण है उसका सार लेकर और कहीं कहीं इसी प्रकार अन्य ग्रंथों और अनुभवों से सार वस्तु लेकर मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचंद्र जी के कथा रूप इस अत्यंत सुंदर ग्रंथ की रचना करता हूँ, जिनका सुमिरन करने से सिद्धि प्राप्त होती है और जो बुद्धि के समूह व शुभ गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के सब गणों के नायक हैं और जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है, वे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा मनुष्य भी बोलने वाला हो जाता है और पाँव से लंगड़ा मनुष्य भी ऊंचे दुर्गम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। वही कली काल के पापों का नाश करने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें, जो नीले कमल के समान सांवले रंग वाले हैं, जिनके नवीन खिले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं और जो सर्वदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे भगवान श्री हरि मेरे हृदय में अपना घर करें, जिनका शरीर
कुंद नामक पुष्प और चंद्रमा के समान उज्जवल है, जिनकी दीनों पर अधिक दया रहती है, और जो करुणा एवं दया के घर हैं, वे पार्वती रमन मुझ पर कृपा करें। अब मैं गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है और जिनके वचन ही महा मोह रूप अंधकार पटल को नाश करने के लिए सूर्य की अनेक किरणों के समूह हैं। फिर मैं गुरुदेव के चरण कमलों की उस रज को प्रणाम करता हूँ कि जिस धूलि की कृपा से उत्तम इच्छाओं की वासना का सरल अनुराग उत्पन्न होता है तथा जो अमर मूल का अमृतमय चूर्ण है और संसार के आवागमन सहित दुखों का शमन कर देता है। जिस पुण्य रूपी धूलि को श्री महादेव जी ने भी अपने शरीर में लगाया था, जिससे वह धूलि मन को हरने वाली मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है, जो मनुष्यों के मन रूपी शीशे के मैल को हरण करती है, जिसका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह आप ही आप वश में हो जाता है। गुरुदेव के चरणाविंदों के नखों में मणियों की सी वह ज्योति है कि जिसका ध्यान करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाता है। उस प्रकाश से मोह और अंधकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह प्रकाश बड़े भाग्य से हृदय में आता है। जिस प्रकाश के आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख एवं दोष नष्ट हो जाते हैं। फिर तो श्री राम जी की मणि मणिक रूपी गुप्त और प्रकट लीलाएं जो जिस जिस प्रकार से होती रहती हैं प्रकट हो जाती हैं, अर्थात दिखलाई पड़ने लगती हैं। जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में सिद्धांजन को लगाकर वन और पृथ्वी तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव के चरणारविंदों की धूलि को हृदय के नेत्रों में लगाकर साधन करता है, उसे नाना प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज स्वच्छ नयनामृत अंजन के समान है और दृष्टि दोष निवारक है, अतः उसी से मैं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्त करने वाले श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। सबसे पहले पृथ्वी के देवता रूप ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो मोह जनित समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले हैं। साथ ही सत्पुरुषों के उस समाज को भी जो सब गुणों की खान है, मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। यद्यपि साधु चरित कपास के समान नीरस अवश्य है, पर उसका फल बड़ा ही गुण देने वाला है, क्योंकि संत जन दुख सहकर भी पराए दोष को छिपाते हैं। इसी से वे हमारे लिए वंदनीय और संसार में यश पाने वाले हैं। उन संतों का समाज आनंदमय और शुभप्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं, क्योंकि उनके मध्य में हर समय राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहा करती है और उनका वही ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी का प्रवाह है। उसमें विधि और निषेध की जो कथा है, वही कलयुग के पापों को नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहां विष्णु भगवान और श्री महादेव जी की कथा केवल श्रवण मात्र से आनंद और मंगल देने वाली है, जहां अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षय वट है और जो तीर्थराज अच्छे कर्मों का ही एक समाज है,
वह सबको सब दिन में और सब देशों में आदर सहित सेवन करने से कष्टों को शांत कर देता है। वह अकथनीय महिमा वाला अलौकिक साधु समाज रूपी तीर्थराज सर्वदा ही प्रभाव युक्त फल को प्रत्यक्ष देने वाला है। जो मनुष्य इसको सुन समझ कर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे, वे इसी शरीर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा यह साधु समाज रूपी प्रयाग है। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौवा, कोयल और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थ राज में मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करें, क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि, नारद और घट योनि अर्थात कुंभज ऋषि ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि हम क्या थे और सत्संगति के प्रभाव से क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर, थलचर और नभचर जितने जीव हैं, जिसने जब और जहां जिस उपाय से जो बुद्धि, कीर्ति, गति, बड़ाई, संपदा और भलाई पाई है, वह सत्संगति का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना श्री राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संगति मंगल और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्धि रूप फूल फल है। सत्संग को पाने से सट अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि को पाकर लोहा सोना के रूप में होकर सुधर जाता है। संभव है कि सत्पुरुष भी दैव योग से कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे वहां भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। सत्पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि, कोविद और वाणी भी सकुचाती हैं। उसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता हूँ, जैसे साक बेचने वाला मनियों के गुणों को नहीं कह सकता है। इसलिए मैं उन साधु पुरुषों की वंदना करता हूँ कि जो संसार में समान चित्त से रहते हैं और जिनके लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, ना किसी को कम ना किसी को अधिक, वैसे ही उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल, सीधा और लोकोपचारी होता है। उनको ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझ बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दें। फिर मैं उन दुष्ट जनों की सच्चे भाव से वंदना करता हूँ जो व्यर्थ ही में बाएं और दाहिने अर्थात मित्र और शत्रु हो जाते हैं, जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही अपना लाभ है और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते और बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं। वे हरि हर के यश रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है और पराए का आकाश करने में सहस्त्र बाहु के समान योद्धा हैं, जो दूसरों में दोष निकालने के लिए हजार नेत्र वाले इंद्र के समान हैं और पराए हित रूपी घृत को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी रूप हो जाता है। उन फलों का तेज अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान है और जो पाप तथा अवगुणों के धन से मानो कुबेर के समान धनी है, जिनका उदय होना
वैसे ही उपद्रव कारक है। जैसे केतु नामक तारे के उदय से अवश्य ही उपद्रव होता है, इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही अच्छा है। इस प्रकार वे दुष्ट जन पराया काम बिगाड़ने में अपना शरीर तक त्याग देते हैं, जैसे खेती का नाश करने के लिए स्वयं ओले भी गल जाते हैं। इसलिए उन दुष्ट जनों को शेष जी के समान जानकर मैं उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि श्री शेष जी तो विष्णु भगवान का गुणानुवाद करने के लिए सहस्त्र मुख धारण किए हैं, परंतु दुष्ट तो पराए छिद्रान्वेषण के लिए ही केवल एक मुख से हजारों मुख की बातें करते हैं। फिर मैं उन खलों को राजा पृथु के समान जानकर वंदना करता हूँ कि जो पराए पाप को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं। फिर मैं उनको देवराज इंद्र के समान जानकर विनती करता हूँ कि जिनको देवताओं की सेना अति प्रिय है, ऐसे ही खलों को सूरा निकी होती है। जैसे इंद्र को अपना वज्र प्यारा होता है, वैसे ही खलों को वज्र के समान अपने कड़वे वचन प्रिय होते हैं, और वे इंद्र के जैसे हजारों नेत्रों से पराया अमंगल देखा करते हैं। खलों की यह रीति है कि जब वे उदासीन मित्र अथवा शत्रु किसी का भला सुनते हैं तो ईर्ष्या की आँच से जल जाते हैं। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रेम सहित इनकी विनती करता हूँ। यह प्रार्थना तो मैंने अपनी ओर से कर दी, परंतु वे भूल कर भी इसका ख्याल नहीं करेंगे। जैसे कौवे को चाहे कितने भी प्रेम से पालो, पर क्या वह कभी निरामिष हो सकता है? अब मैं संतों और दुष्टों के भी चरणों को प्रणाम करता हूँ। यद्यपि ये दोनों ही दुखदाई हैं, तथापि उनमें कुछ अंतर कहा गया है। एक संत है जो बिछुड़ने के समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे दुष्ट जन मिलते ही दारुण दुख देते हैं। जल में कमल और जोंक साथ ही उपजते हैं, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही संत और असंतों के भी गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, अमृत और मदिरा का पिता समुद्र एक ही है, पर उससे उत्पन्न दोनों के गुण जगत में पृथक हैं। इसी प्रकार संत और असंत में भी अंतर है। संत अमृत समान है और असंत मदिरा के समान है। अपनी अपनी करनी से सब भले और बुरे संसार में यश और अपयश पाते हैं। संत जन अमृत, चंद्रमा और गंगा के समान हैं। दुष्ट लोग विष, अग्नि और कर्मनाशा नदी के समान हैं। इस प्रकार गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, परंतु जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वही अच्छा है। भले भलाई से शोभा पाते हैं, और नीच को उसकी नीचता ही शोभा देती है। जैसे अमृत अमरत्व प्रदान करता है, और विष की सराहना इसलिए है कि वह तत्काल मार डालता है। दुष्ट जन तो अब गुणों को और संत जन गुणों को ग्रहण करते हैं, परंतु इन दोनों की गति को अथाह समुद्र के समान अपार समझना चाहिए। इसी से मैंने इनके गुण और दोष का थोड़ा विवेचन किया है, क्योंकि बिना पहचाने इनका संग्रह और त्याग नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने ही सब भले बुरे को उत्पन्न किया है, और वेद ने गणना करके अर्थात उनके गुण दोषों का निश्चय करके अलग अलग किया है। इस बात को वेद, इतिहास और पुराण भी कहते हैं कि विधाता का सारा प्रपंच गुण अवगुण से मिला हुआ है। सुख दुख, पुण्य पाप, रात दिन, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, देवता दानव, ऊंच नीच, अमृत विष, संजीवनी बूटी और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, लक्ष्मी और दरिद्रता, दरिद्र और राजा,
काशी और मगध देश, गंगा और कर्मनाशा, मरु देश और मालवा देश, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, प्रीति और वैराग्य, इन गुणों और दोषों का विभाग वेदों और शास्त्रों ने किया है। यह सब लोग भली भांति जानते हैं कि श्री ब्रह्मा जी ने इस जड़ चेतन रूप जगत को गुण दोषमय बनाया है, तो भी जिस प्रकार हंस जल को त्याग कर दूध ही ग्रहण करता है, ऐसे ही संत जन दोष को त्याग कर गुण को ही ग्रहण करते हैं। परंतु जब विधाता ऐसा ज्ञान देते हैं, तभी मन दोषों को त्याग गुणों को ग्रहण करता है। परंतु काल, कर्म और स्वभाव की प्रेरणा से कभी भले पुरुष भी प्रकृति के वश होकर सन्मार्ग से चूक जाते हैं, किंतु उसे भगवान के भक्त सुधार लेते हैं तथा दुखों और दोषों का दलन कर पवित्र यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट जन भला संग पाकर भलाई तो करते हैं, पर उनका जो भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता। अच्छा वेश बनाकर वे भले ही जगत को ठग ले, क्योंकि वेश के प्रताप से उनकी पूजा होती है, परंतु अंत में उनकी पोल अवश्य खुल जाएगी और उस पोल के खुलते ही उनका अंत हो जाएगा, निर्वाह नहीं होगा। जैसे काल नेमी रावण और राहु का निर्वाह नहीं हुआ, इसके विपरीत साधु पुरुष जो सच्चे सत्पुरुष हैं, चाहे कैसे भी कुवेश में क्यों न रहे, पर उनका सर्वत्र सम्मान ही होता है। जैसे जामवंत और हनुमान आज भी जगत में पूजनीय हैं। कुसंगति से हानि और अच्छी संगति से तो लाभ ही है, यह बात वेद में भी कही गई है और संसार में भी सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। जैसे धूल वायु के सहारे आकाश पर चढ़ जाती है और जब वह नीचे गिरने वाले जल का साथ करती है, तब वह कीचड़ बन जाती है। जैसे तोता, मैना, साधु और असाधु सबके घर में रहते हैं, अर्थात पाले जाते हैं, परंतु साधु के घर में पलने वाले राम राम कहते हैं और असाधु के घर में पलने वाले गिन गिन कर गाली देते हैं। देखिए, धुआं एक ही है, परंतु वह कुसंगति के कारण कालिख बनकर पात्रों को और अन्याय पदार्थियों को बिगाड़ देता है, और सुसंगति पाकर वही स्याही बनकर शास्त्र और पुराणों को लिखता है। फिर वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संसर्ग से मेघ बन जगत का जीवनदाता हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुयोग और सुयोग को प्राप्त होने से ही संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। इसको उत्तम पुरुष भली प्रकार जानते हैं। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश दोनों पक्षों में बराबर बना रहता है, पर विधाता ने नाम से भेद कर दिया है। कारण यह कि जो पक्ष चंद्रमा का पोषक है, उसको शुक्ल पक्ष कहकर जगत ने उसका यश बढ़ाया है, और जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है, उसका नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत ने उसको अपयश दिया है। इससे मैं जड़ और चेतन संसार में जितने जीव हैं, सबको राममय जानकर उन सबके कमल रूपी चरणों की सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। फिर मैं समस्त देवता, दानव, नर, नाग, पक्षी, प्रेत, पीतर, गंधर्व, किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करता हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार जो चार प्रकार के कुल 84 लाख जीव जल, थल और आकाश में रहते हैं, मैं उनसे भरे हुए इस सारे संसार को सीता राम में जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर
कृपा करें, क्योंकि मुझे अपने बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोगों से विनय करता। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।